हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मेरे इस न्यू ब्लॉग में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज का सफ़र आनंद विहार से गोरखपुर तक का है। दिल्ली आया था किसी काम से, अब यहाँ से गोरखपुर के लिए निकला हूँ। शाम की ट्रेन थी लगभग 5 बजे। वीकली ट्रेन है, हफ्ते में एक बार चलती है ये ट्रेन। देखिए सुबह टाइम से पहुंचा रही है कि नहीं। इसलिए मौसम भी बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। टाइम पास मूँगफली आ गया, मूँगफली लेके खाया जाए, फिर सफ़र का एंजॉय किया जाए। चलिए आप लोग भी मेरे साथ मेरे सफ़र का एंजॉय करिए और मूँगफली खाइए। दिल्ली का देहात इलाका है। दिल्ली से हम लोग बाहर निकल चुके हैं और वहाँ तक देखिए काम चल रहा है। एक और प्लेटफार्म का काम चालू हुआ है। रेलवे वाला अपना ज़मीन कब्जा जहाँ तक था वहाँ अपन तक किया है, क्योंकि लोग कहीं भी सरकारी प्रॉपर्टीज पे जाके अपना कब्जे कर लेते हैं, अपना घर वार बना लेते हैं, तब सरकार थोड़ा चौकन्ना हुई है। जितना गवर्नमेंट ज़मीन है, रेलवे की ज़मीन है, उतना सरेंडर कर लिया जाए। ये देखिए कितना खूबसूरत, चारों तरफ हरियाली। दिल्ली में तो इतनी हरियाली नहीं है, दिल्ली से बाहर आएगी। चाय चाय चाय।
गाजियाबाद पहुंच चुके हैं हम लोग, अपनी ट्रेन आ गई है गाजियाबाद। देखिए कितना भीड़ है, लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ट्रेन रुकेगा फिर सब लोग चढ़ेंगे, बहुत दिक्कत है। ये देखिए इतने लोग हरदम सफ़र के लिए खड़े रहते हैं, इतने लोग हैं, इतना जनसंख्या ज़्यादा हो गई कि कहीं भी जाना हो सबसे ज़्यादा लोग ट्रेन से ही सफ़र करते हैं। दूर दूर सफ़र अच्छे से सफ़र हो जाता है, अब लोग तो इतना ज़्यादा हैं कि पूछिए मत। 25% लोग भारत के सफ़र में ही रहते हैं, जिसमें से 15% लोग रेलवे स्टेशन ट्रेन में ही रहते हैं। तो देखिए बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है ये गाजियाबाद। ये लोग अपने अपने ट्रेन के इंतज़ार में स्वेटर जैकेट सब पहन के, इसलिए ठंड बहुत ज़्यादा है। आप लोग भी देखिए आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग बताइए कहाँ कहाँ से आप सफ़र किए हैं ट्रेन से। देखिए सुबह सुबह अब हम लोग आ गए नेक्स्ट
नेक्स्ट रेलवे स्टेशन पता नहीं है कौन सा रेलवे स्टेशन। कितना भी सुबह कहीं भी जाओ लोग खड़े रहते हैं अपने सफ़र के इंतज़ार के लिए। दिखा नहीं, बहुत ज़्यादा बदली थी। ये कहाँ आ गए हम लोग, बस्ती। तो फाइनली हम लोग बस्ती पहुँच चुके हैं। बस्ती का भी रेलवे स्टेशन जो है बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। अभी ट्रेन रुकेगी, यहाँ लोग तमाम लोग हैं बस्ती के, फिर यहाँ लोग उतरेंगे। साइड में हो जाओ। हाँ बेटा आवा, एसी से पीछे दूसरे बोगी में। नीचे की नीचे कर लो। अरे आवा गई, ये तो हवा लगे बड़ी तेज। आएगा आएगा। गोरखपुर में एंट्री हो चुकी है हम लोग की। ये डोमिनगढ़ देखिए, ये गोरखनाथ का ओवर ब्रिज आ गए भाई गोरखपुर। इतना प्यारा शहर देखिए, कितना खूबसूरत है मेरा गोरखपुर। आप लोग भी सफ़र के लिए एक वीडियो बना के डालिए कमेंट में, छोटा सा प्यारा सा ये तरंग का ओवर ब्रिज। ये कितना अच्छा है, साफ सफाई, सजावट, ये रोड पे लाइट। फाइनली रेलवे स्टेशन गोरखपुर पहुंच चुके हैं हम लोग। 3 घंटा 10 मिनट ट्रेन लेट हो गई थी, सुबह 7 बजे पहुंचना था। 7:20 पे साथ पहुंचना था, 10:40-10:40 पे हम लोग पहुंचे हैं। हालत ख़राब हो गई, एक तो ठंड है, ऊपर से इतना घंटा लेट। ये कितना बड़ा रेलवे स्टेशन है अपना गोरखपुर, ऐसे ही भारत का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ही कहा जाता है। कुछ खासियत है उसी लिए तो है। आगे गोरखपुर, गोरखपुर आगे भाई। देखिए
आ गए ना गोरखपुर। ये है गोरखपुर। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गोरखपुर। अपनी गाड़ी 7 नंबर पे शायद रुकी है। देखिए 10:39 हो रहा है। ये सारे लोग इसी ट्रेन से उतरे हैं। देखिए कितना बड़ा धूप हो गया मस्त। ये अपना गोरखपुर, प्यारा गोरखपुर। ये देखिए सारे लोग खड़े हैं, किसको कहाँ जाना है, अपना टाइम के इंतजार कर रहे हैं। कितने लोग धूप में खड़े हैं। ये लोग भाई आए हैं हम लोग के साथ। अभी ये लोग अपना अपना गाड़ी पकड़ के अपने अपने घर जाएंगे। हम लोग भी निकलेंगे अपना गोरखनाथ, हमको जाना है तो अपने गोरखनाथ निकलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए नेक्स्ट वीडियो गोरखनाथ मंदिर मेले का बनने वाला है।